हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाना सिखा रहे हैं एक सिंपल सी रेसिपी, दैट इज़ लहसुन चिकन, या फिर आप इसको इंस्टेंट चिकन भी बोल सकते हैं। इसका बनाना भी बहुत ही इजी है और इसके इंग्रेडिएंट्स भी एकदम सिंपल हैं। जो भी आपके घर पे अवेलेबल है उसी इंग्रेडिएंट से इसको बनाया जाता है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। यू लाइक दिस रेसिपी, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने वन बॉल में 1 kg चिकन लिया है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स इसको बनाना और इसका इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही इजीली अवेलेबल रहता है घर पे, तो कुछ भी बाहर से लाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। और यहाँ पे 1 टोमेटो मैंने चॉप करके रखा है और ये कुछ जिंजर और गार्लिक का पेस्ट है, इसको मैंने कूट के तैयार किया है। और कुछ धनिया पत्ते हैं और मसाले में इसको चिली पाउडर जाएगा 2 स्पून, आप अपने हिसाब से ले लेना। और यहाँ पर नमक है एज़ पर द टेस्ट, गरम मसाला है, हल्दी पाउडर एंड दिस इज चिकन मसाला और थोड़ा तेल। तो चलिए अभी चिकन को हम मैरिनेट करते हैं। तो पहले जो मसाले हमने साइड में लिए थे वो सभी हम इसमें ऐड करेंगे अभी। और इसको अच्छे से मिक्स करके हम 1 आवर के लिए रख देंगे। हमारा चिकन अभी अच्छे से मैरिनेट हो गया है, 1 आवर हो गया था और अच्छे से रेस्ट कर लिया है चिकन ने। तो अभी हम पहले कढ़ाई में तेल डालेंगे और वेट करेंगे थोड़ा तेल गर्म होने तक। अभी गर्म हो चुका है तो पहले मैंने कूट के लिया हुआ जिंजर और गार्लिक डाल दी थी। एक बार इसको सॉफ्ट कर लेते हैं। अगर आपको चिकन में अच्छा सा कलर चाहिए तो आप और 1/2 स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करिए, तो बहुत ही मज़ेदार भी दिखता है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है इसका। इसमें हम अभी टमाटर भी ऐड करेंगे। वन मिनट तक हम वेट करेंगे। टमाटर भी अच्छे से पक गए हैं तो अभी हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। एक बार हम इसको इस तरफ थोड़ा मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसको लीड बंद करके 10 मिनट और पकाएंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। चिकन में अच्छे से पानी छोड़ दिए हैं इस तरह। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि नीचे लीड में ना पकड़े। फिर हम अभी कोरिएंडर लीव्स पे ऐड करेंगे अभी। वेट करते हैं ढक्कन ओपन करके और 10 मिनट के लिए चिकन अच्छे से पकने के लिए। तो हमारा चिकन अभी अच्छे से गल गया है और ये बिल्कुल भी रेडी है सर्व करने के लिए। अभी हम गैस को बंद कर देते हैं और सर्व कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का रेसिपी? आई होप आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगा है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर देना और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर ट्राई करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।